Hello everyone, welcome to our channel Current Affairs Updated. This is me Madhu Joshi and today we are going to start our chapter number 2. So chapter number 2 is the demographic structure of Indian society. जैसे कि हमने first chapter में पढ़ा था कि किस तरीके से हम chapter 2 में population के बारे में बात करेंगे, तो आज हमारे सामने बहुत important factors रहेंगे. ये बहुत ज़्यादा basic factors हैं, लेकिन इस फैक्टर्स से आपको पता चलेगा कि डेटा जो आप कलेक्ट करना चाहते हो, राइट, जो आपके आंसर राइटिंग में डेटा यूज होगा, ठीक है, वो आपको किस तरीके से डील करना होगा. जैसे बर्थ रेट है, डेथ रेट है, ठीक है, सेक्स रेशियो है, द एज स्ट्रक्चर, ये सब जो छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, जो आपकी पॉपुलेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राइट, जिससे आपको पॉपुलेशन के बारे में पता चलता है. तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, इन सबको आज हम पढ़ेंगे. तो आइए स्टार्ट करते हैं. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर चैप्टर नंबर 2, दैट इज द डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी. Okay, so as you know, in the last chapter we did, you know, the details and the index of all the chapters given in this book. ठीक है, सो हमने लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया कि किस तरीके से हम इस पूरी बुक को डील करने वाले हैं, राइट. सो सेकेंड चैप्टर आपका था पॉपुलेशन के बारे में, कि उसमें कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, आपकी पॉपुलेशन जो है वो किस पर डिपेंड करती है, उसमें कौन से ऐसे सोशल फैक्टर्स हैं जो इंक्लूड किए जा सकते हैं, राइट. ये सब चीजें हमें आज इस चैप्टर में पढ़ना है. सो डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर आपका बेसिकली आपको बताएगा कि कैसे जो इंडिया का पॉपुलेशन है वो कैसे वरी करता है, राइट, या फिर कुछ चेंजेस जो आए हैं, या फिर जो बर्थ रेट है, डेथ रेट है, ये सब चीजें एक्सप्लेन करेगा, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट इज डेमोग्राफी. व्हाट इज डेमोग्राफी एक्चुअली? डेमोग्राफी होता क्या है? डेमोग्राफी इज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ पॉपुलेशन. आपको अगर सिस्टमैटिकली इस पॉपुलेशन को पढ़ना है, ठीक है, उसी को डेमोग्राफी बोलते हैं. द टर्म ऑफ ग्रीक ओरिजिन, ओके, एंड इज कंपोज ऑफ टू वर्ड्स, डेमोज मतलब पीपल एंड ग्राफी मतलब डिस्क्राइब. सो बेसिकली व्हाट दिस सेज इज टू डिस्क्राइब द पीपल, राइट. सो हूएवर इज लिविंग इन द स्फीयर यू हैव टू डिस्क्राइब देम. तो आपको लोगों को डिस्क्राइब करना है, ठीक है, ये डेमोग्राफी है. अब डेमोग्राफी के अंदर ये बोलते हैं कि हमारे पास देखो बहुत तरीके के जो फैक्टर्स हैं वो काम करते हैं. वो फैक्टर्स क्या क्या है? जैसे ये बोलते हैं कि बहुत बार क्या होता है कि आप देखते हो कि बहुत ज्यादा पैटर्न्स जो है, जो बर्थ रेट है, डेथ रेट है, ये चेंज हो रहा है, माइग्रेशन हो रहा है, राइट, आपका पॉपुलेशन साइज जो है वो चेंज होता रहता है, ये सब चीजें. तो ये बोलते हैं फॉर्मल डेमोग्राफी जो है, ठीक है, वो तो ऑब्वियसली आपका क्वांटिटेटिव फील्ड रहेगा ही, लेकिन हम इस चैप्टर में सोशल डेमोग्राफी की बात कर रहे हैं. हमें ये देखना है कि कैसे जो सोशल इकोनॉमिक या पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स हैं वो वरी करते हैं, वो डिपेंड करते हैं हमारी पॉपुलेशन फैक्टर पर, ठीक है, ये सब चीजें हमें इसमें देखनी है. सो दिस इज कि डेमोग्राफी इज अ फील्ड दैट इज ऑफ स्पेशल इंपॉर्टेंस टू सोशियोलॉजी, है ना. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप इससे ही पता करते हो कि किस तरीके से आपको इंडियन सोसाइटी को पढ़ना है, राइट. सो ये बताते हैं कि पहले कैसे चीजें जो थी वो कैसे फॉर्म हुई, राइट. ये जैसे बात कर रहे हैं कि 18th सेंचुरी में नेशन स्टेट बना, वहीं पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन शुरू हुई, राइट. अब जो मॉडर्न स्टेट्स आए, ठीक है, उसके अंदर क्या हुआ? उसके अंदर अलग रोल्स थे, अलग फंक्शंस थे, ठीक है. तो इसमें फैसिलिटीज भी बढ़ी, ठीक है, जैसे आपके पास पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट आ गया, पॉलिसिंग आई और लॉ एंड ऑर्डर आया, ये सब चीजें चेंजेस हो रहे थे, राइट. अब इन चेंजेस का काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा था किस पर? पॉपुलेशन पर. सो बेसिकली आपको पता है कि बहुत ज्यादा जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके बीच में इंटर रिलेशन है, राइट. सो उस इंटर रिलेशन की वजह से हमें पता चलता है कि कैसे अलग अलग फैक्टर्स जो हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है, राइट. देन दिस इज कि देखो द न्यू एंड कॉन्स्टेंटली एक्सपेंडिंग स्फीयर ऑफ स्टेट एक्टिविटी रिक्वायर द सिस्टमैटिक एंड रेगुलर करेक्शन ऑफ सोशल स्टैटिस्टिक्स, ठीक है. ये चाहते हैं कि आप जो क्वांटिटेटिव डेटा है, ठीक है, उससे पता लगाओ, उसको पढ़ो, ठीक है, उससे देखो कि किस तरीके से जो डेमोग्राफी है, ठीक है, उसमें चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है. बहुत बार आप देखोगे कि सोशल स्टैटिक्स किसने दिया था, ये अगस्त कॉम की टर्म है, राइट, सोशल स्टैटिक्स एंड सोशल डायनामिक्स, उन्होंने बोला था कि यही सब्जेक्ट मैटर है सोशियोलॉजी का. तो इसके अंदर भी थोड़ा थोड़ा वही बात कर रहे हैं, ठीक है, कि किस तरीके से मतलब जो ये सोशल स्टैटिक्स है, ये क्वांटिटेटिव डेटा लेना, ये भी काफी ज्यादा पुराना हो गया, राइट. किस तरीके से सबसे पहले ये अमेरिका में आया, अमेरिकन सेंसस आया हमारे सामने, फिर यूरोप में आ गया, ऐसे धीरे धीरे, और अभी हमारे पास जो लेटेस्ट सेंसस है वो 2011, राइट. सो ये सब चेंजेस हैं, ठीक है, जो आ रहे हैं और हम देखते जा रहे हैं, राइट. सो इससे बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है पॉपुलेशन एंड अदर फैक्टर्स पे, ओके. नेक्स्ट देयर से इनकी डेमोग्राफिक डेटा क्यों जरूरी है? डेमोग्राफिक डेटा इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको प्लानिंग करना होता है,
ठीक है, आपको पॉलिसीज बनानी है, आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है, बहुत सारी चीजें हैं जिसके लाइक जो डेमोग्राफिक स्टडी से काफी इन्फ्लुएंस होते हैं, इसीलिए डेमोग्राफिक स्टडी किया जाता है, राइट। सो आपके पास बहुत सारे फैक्टर्स हैं। सो नेक्स्ट इज व्हाट दे आर सेइंग इज sometimes distinction is made you know between formal demography and a broader field of population studies. अब देखो formal demography तो क्या पड़ेगा, वो तो सिर्फ पड़ेगा कि किस तरीके से जो population है वो change हो रहा है, लेकिन अगर हम बात करें social demography की, तो social demography क्या करेगा, वो causes पड़ेगा, वो consequences पड़ेगा कि कैसे जो society है उसके structure में change आ रहा है, right? कैसे social processes change हो रहे हैं, ये सब चीजें social demography का field है, इसलिए सोशियोलॉजी में आप सोशल डेमोग्राफी पढ़ते हैं, ठीक है। सो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। वैसे इस चैप्टर में बहुत ज्यादा बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, जिनको हम बस रीड करेंगे, मैं आपको बता दूंगी कि वो होता क्या है, राइट, लेकिन यू हैव टू यू नो रीड दिस चैप्टर, आपको ये चैप्टर रीड करना पड़ेगा। रीड करने के बाद आप अपने नोट्स बना सकते हैं, राइट। ये जो चैप्टर्स हैं इनके अंदर जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो हमें बहुत पहले से पता है, राइट, हमने बहुत पहले भी किए हुए हैं, तो इसलिए इस चैप्टर पे ज्यादा फोकस ना करते हुए हम सिर्फ इतना ध्यान रखेंगे कि किन फैक्टर्स की ये बात करें, ठीक है। देन दे आर टॉकिंग अबाउट सम थियोरीज एंड कॉन्सेप्ट्स इन डेमोग्राफी। अब हमें कौन सी थियोरीज और कॉन्सेप्ट्स करने हैं, देखिए सबसे पहले दिस दे आर सेइंग द मालथुसियन थियोरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। अब इसके अंदर उन्होंने क्या बोला था, देखो ये जो थॉमस रॉबर्ट मालथस थे, इन्होंने बोला क्या था, इन्होंने बोला था कि इनका एक ऐसे था एसएन पॉपुलेशन जिसके अंदर उन्होंने एक काम दिया था, ठीक है, और इनके काम को पेसिमिस्टिक माना जाता है क्योंकि इन्होंने लाइक बहुत ही जो स्टेटमेंट था इनका वो पेसिमिस्टिक दिखता है। ही आर्ग्यूड दैट ह्यूमन पॉपुलेशन एंड टू ग्रो एट अ मच फास्टर रेट देन द रेट एट विच द मीन्स ऑफ यू नो ह्यूमन सब्सिस्टेंस स्पेशली फूड बट ऑल्सो क्लोथिंग अदर एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोडक्ट्स कैन ग्रो। तो मतलब उनका कहने क्या मतलब था कि ह्यूमन पॉपुलेशन जो है, ठीक है, वो ज्यादा फास्ट रेट पर बढ़ रहा है बजाय कि आपके जो यूजफुल रिसोर्सेज हैं या फिर जो असेंशियल चीजें हैं, ठीक है, उनके बजाय। तो दैट मीन्स कि आपके जो असेंशियल चीजें आप जो यूज कर रहे हो, जो आपके लिए नेसेसरी है, वो कम रेट पर बढ़ रही है लेकिन पॉपुलेशन बहुत ज्यादा रेट पर बढ़ रहा है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट दे वांट टू से, ठीक है। इसके बाद ऐसा बोला गया कि कुछ प्रिवेंटिव चेक्स भी होते हैं, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग आप यू नो जो पॉपुलेशन ग्रोथ है उसको कम करने की कोशिश करते हैं, राइट। इनको मालथस बिलीव दैट देयरफॉर दैट पॉजिटिव चेक्स टू पॉपुलेशन ग्रोथ इन द फॉर्म ऑफ फेमाइंस एंड डिसीजेस। अब फेमाइंस और डिसीजेस तो कभी भी आ सकता है ना, ये तो नेचुरल चीजें हैं, तो कहते हैं ये पॉजिटिव चेक्स हैं क्योंकि ये कभी भी आ सकता है, ये इनएविटेबल है क्योंकि ये नेचर के हाथ में है। तो इन सब चीजों से भी पॉपुलेशन ग्रोथ कम हो जाता है, राइट, जो पॉपुलेशन का ग्रोथ है वो रुक जाता है। सो बेसिकली इनका कहने का मतलब है कि पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ रहा है और एसेंशियल चीजें जो है वो कम रेट पर बढ़ रही है, लेकिन कुछ ऐसे प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जिसको लेकर आप ये चीज कम कर सकते हो, आप पॉपुलेशन कम कर सकते हो, राइट। सो पॉजिटिव चेक जो मतलब नेचर की तरफ से जो एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है, वो भी कहीं ना कहीं पॉपुलेशन को कम करती हैं, ओके। देन ये बताया हुआ कि मालथस की जो थियरी थी इसने काफी इन्फ्लुएंस किया, लेकिन कुछ टाइम तक इन्फ्लुएंस किया, उसके बाद बहुत लोग इसको डिबेट में ले आए, राइट, और बहुत सारी डिबेट्स भी हुई। आपके आपके लिए इतना जानना जरूरी है कि मालथस ने क्या बोला था, ठीक है, सो आपको वो पता चल गया होगा। देन द पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ बिगिन टू चेंज इन द लेटर हाफ ऑफ 19th सेंचुरी। बाय द एंड ऑफ फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 20th सेंचुरी दीज चेंजेस वर क्वाइट ड्रामेटिक, ठीक है। अब देखो अब बहुत सारे चेंजेस आ रहे थे ना, उनको हम कैसे देख रहे थे, देखो बर्थ रेट डिक्लाइन हो गया, ठीक है, एपिडेमिक डिसीजेज जो है वो कंट्रोल हो गई, तो मालथस की जो प्रिडिक्शन थी, राइट, मालथस की जो प्रिडिक्शन थी वो फॉल्स हो गई, राइट, क्योंकि अब हमारा फूड प्रोडक्शन और ये सब जो है ये भी राइज कर रहा था। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से जो इसकी थियरी थी, ठीक है, उसको हम निग्लेक्ट करते गए जैसे जैसे हमने चेंजेस सोसाइटी में देखे। देन यू हैव द थियरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, ठीक है, इसके अंदर अब क्या बताया होगा किस तरीके से यू नो जो ट्रांजिशन है वो देखने को मिलता है, राइट, दैट पॉपुलेशन ग्रोथ इज लिंक्ड टू ओवरऑल लेवल्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड दैट एवरी सोसाइटी फॉलोज अ टिपिकल पैटर्न डेवलपमेंट रिलेटेड पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है। बहुत बार इन्होंने मतलब ट्रांजिशन फेज दिया कि किस तरीके से जो है वो चेंजेस आ रहे हैं, राइट। अब वो बोलते हैं कि तीन फेजेस है हमारे पास पॉपुलेशन ग्रोथ के। एक फर्स्ट स्टेज है जिसके अंदर जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो भी बैक मतलब वो भी कम है और टेक्नोलॉजी भी बैकवर्ड है, ठीक है। तो इस टाइम पे क्या होगा, जो बर्थ रेट है वो भी बहुत यू नो बोथ द डेथ एंड द बर्थ रेट आर वेरी हाई,
ठीक है, इस टाइम पे दोनों चीजें बहुत ज्यादा है तो ग्रोथ रेट क्या रहेगा, लो रहेगा, क्योंकि वो तो आपका सेम चल रहा है ना, स्टेबलाइज हो गया, राइट। अब ये थर्ड स्टेज में बताते हैं कि लो ग्रोथ है, डेवलप्ड जो है वो सोसाइटी डेवलप्ड है, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, अब डेथ रेट और बर्थ रेट, ठीक है, दोनों रिड्यूस हो गए। इससे क्या हो रहा है, इससे बेसिकली वो कह रहा है डिफरेंस जो हो रहा है, ठीक है, वो फिर से कम है। लेकिन जो इसके बीच में जो दो स्टेजेस के बीच में जो स्टेज है वो है ट्रांजिशनल स्टेज, ठीक है, जहां से हम एक बैकवर्ड यू नो सोसाइटी से हम डेवलप्ड सोसाइटी में आ रहे हैं, राइट। तो वो कहते हैं कि वो स्टेज जो है उसके अंदर बहुत ज्यादा ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन है। अब जब बहुत ज्यादा ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन है तो हम उसको क्या बोलेंगे, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ठीक है। सो ये आप रीड कर सकते हो थोड़ा, ठीक है, इधर से आपको आइडिया मिल जाएगा कि व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट। देन दे आर सेइंग सम कॉमन कॉन्सेप्ट्स एंड इंडिकेटर्स। ओके, सो कॉमन कॉन्सेप्ट्स और इंडिकेटर्स में ये बता रहे हैं कि देखो, हम बात करते हैं जब भी डेमोग्राफिक कॉन्सेप्ट्स की तो हम बात करते हैं रेट्स की या रेशियोज की, राइट। इनको नंबर में ही काउंट करते हैं, जैसे बर्थ रेट हो गया या फिर यू नो जैसे डेथ रेट हो गया, इन सब चीजों की बात कर रहे हैं, राइट। लेकिन मोस्ट कंट्री जैसे इंडिया है, पीपल आर रिक्वायर्ड बाय लॉ टू रिपोर्ट बर्थ्स, एंड यू नो आज के टाइम पे क्या हो रहा है कि हम बहुत ज्यादा क्वांटिटेटिव की तरफ बढ़ गए हैं और हम हर चीज का यू नो एक पूरा डेटा कलेक्ट करके रखते हैं, राइट, एक रिकॉर्ड किया जाता है। तो ये सब चीजें इसमें मेंशन है, ठीक है, तो ये चीजें इसमें बताई हुई है। यू नो वन ऑफ दीज नंबर्स इज अ पर्टिकुलर स्टैटिक दैट हैज बीन कैलकुलेटेड फॉर स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, द अदर प्रोवाइड्स अ स्टैंडर्ड फॉर कंपैरिजन। और दूसरा जो यू नो अगर आप बात कर रहे हो डेमोग्राफिक कॉन्सेप्ट्स की, तो एक बात कर रहे हो आप नंबर्स की, दूसरा आप कंपैरिजन के लिए कुछ चीजें यूज कर रहे हो, ठीक है, ये चीजें उन्होंने बताई हुई है। देन ये लेकर आए कंसेप्ट द रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, या फिर जिसको बोलते हैं ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। अब ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन क्या है कि आपका बर्थ रेट और डेथ रेट में कितना गैप है, वो आपका क्या रहेगा, ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, कि कितना ग्रोथ हो पा रहा है, ठीक है। क्योंकि आपके बर्थ रेट आप देखोगे कितना है आपके सोसाइटी में, देन आप देखोगे डेथ रेट कितना है, उनके बीच में जो गैप आएगा दैट इज ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। अभी जैसे ये बोलते हैं कि सोसाइटीज कैन एक्सपीरियंस अ नेगेटिव ग्रोथ रेट, जहां पर क्यों ना फर्टिलिटी लेवल्स जो है, ठीक है, वो क्या है, वो रिप्लेसमेंट रेट से कम है, ठीक है, फर्टिलिटी रेट जो है वो रिप्लेसमेंट लेवल से कम है। लाइक आप देख सकते हो कि किस तरीके से ये लोग रिप्लेसमेंट रेट की बात कर रहे हैं, रिप्लेसमेंट रेट को किस कब बोल रहे हैं कि जब आपका बर्थ रेट, ठीक है, और जो डेथ रेट है उसके बीच में जो डिफरेंस है वो काफी कम हो, ठीक है, तो उस चीज को ये क्या बोल रहे हैं, रिप्लेसमेंट लेवल, ठीक है। रिप्लेसमेंट लेवल जब आपको ये बता रहे हैं कि किस तरीके से जो सोसाइटीज हैं उसमें क्या होता है कि फर्टिलिटी लेवल्स जो है वो रिप्लेसमेंट लेवल के कम आ जाती है, तो उसको बोलते हैं नेगेटिव ग्रोथ रेट, ठीक है। देन वी हैव यू नो फर्टिलिटी रेट। फर्टिलिटी रेट किसको बोलते हैं, नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 वुमेन इन द चाइल्ड बियरिंग एज ग्रुप यूजुअली टेकन टू बी 15 to 49 ईयर्स, ठीक है। फर्टिलिटी रेट किसको बोल रहे हैं ये, कि कितना मतलब कितने बर्थ्स हो रहे हैं पर 1000 वुमेन, है ना, जो उस एज में है पर्टिकुलर 15 to 49 जिसमें वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, राइट। लेकिन अगर हम देखें तो ये भी कुछ ना कुछ एस्टिमेशन या कुछ ना कुछ अप्रोक्सीमेटी में जा रहा है, राइट, ये बिल्कुल एग्जैक्ट तो हमें नहीं देगा। इसीलिए जो मतलब डेमोग्राफर्स हैं, ठीक है, उन्होंने हमेशा एज स्पेसिफिक रूल्स या रेट्स मेंशन किए हैं, ठीक है। सो टोटल फर्टिलिटी रेट्स रेफर टू द टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स दैट अ हाइपोथेटिकल वुमेन वुड हैव इफ शी लिव थ्रू द रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप एंड हैड द एवरेज नंबर ऑफ बेबीज इन ईच सेगमेंट ऑफ दिस एज ग्रुप एज डिटरमाइंड बाय द एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट्स फॉर दैट एरिया। अब इसके अंदर वो क्या बोल रहे हैं कि टोटल फर्टिलिटी क्या होता है, कि जितने भी बर्थ्स हुए हैं, ठीक है, अगर वो वुमेन जो है उस वो रिप्रोडक्टिव एज में, ठीक है, अच्छे से रहते हैं, ठीक है, तो कितने एक एस्टिमेशन लगाया था कि एज स्पेसिफिक कितने फर्टिलिटी रेट्स, कितना फर्टिलिटी रेट हो सकता है, ठीक है। सो ये सब चीजें बताई हैं। देन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है, कि द नंबर ऑफ डेथ ऑफ बेबीज बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर, राइट, पर 1000 लाइव बर्थ्स, है ना, कितना मतलब पर 1000 लेकर हम देख रहे हैं कि कितना मतलब एक साल से कम जो बच्चे हैं, ठीक है, जो इन्फेंट है वो कितने उनकी उनका जो डेथ रेशियो या डेथ रेट है वो क्या है, राइट, दैट इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अब सेक्स रेशियो आपको पता होगा, सेक्स रेशियो किसे बोलते हैं, नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स, राइट, इन अ गिवन एरिया। तो आपको पता होगा सेक्स रेशियो जो केरला में है वो ज्यादा है, राइट, यू कैन रीड दिस पैराग्राफ, इसके अंदर आपको बहुत अच्छे से बताया होगा कि किस तरीके से, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं कि पहले जो था कि फीमेल्स अगर आप देखोगे ज्यादा पाए जाते थे लेकिन आज कम पाए जाते हैं, राइट, तो ये जो रेशियो ये कैसे चेंज हो रहा है, क्या सोशल फैक्टर्स हैं,
राइट अभी बहुत सारी चीजें आप देख आपको देखने को मिल सकते हैं इसमें, ठीक है। जैसे पहले का इन्होंने एक कंपैरिजन किया हुआ है कि इट हैज बीन फाउंड दैट देयर आर स्लाइटली मोर फीमेल्स देन मेल्स इन द मोस्ट ऑफ कंट्रीज हिस्टोरिकली, राइट। लेकिन अभी भी जबकि मोर मेल बेबीज आर बोर्न देन फीमेल वंस, नेचर सीम्स टू प्रोड्यूस रफली 943 to 952 फीमेल बेबीज फॉर एवरी 1000 मेल्स, ठीक है। ये सब कुछ डिफरेंसेस है, ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो। देन यू हैव यू नो नेक्स्ट इज द फर्टिलिटी रेट, दीज वी हैव डन। नेक्स्ट इज यू नो द एज स्ट्रक्चर। व्हाट इज एज स्ट्रक्चर? एज स्ट्रक्चर रेफर्स टू द यू नो प्रोपोर्शन ऑफ पर्सन इन डिफरेंट एज ग्रुप्स रिलेटेड टू टोटल पॉपुलेशन, कि आपका कोई पर्टिकुलर एज ग्रुप है, ठीक है, उसका रेशियो टोटल पॉपुलेशन से, वो आपका आएगा एज स्ट्रक्चर, ठीक है। जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इंप्रूव करता है जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो कि उसके कारण किस तरीके से जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो भी बढ़ जाता है, राइट। अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी के साथ वो बोल रहे हैं कि आप ये देखोगे कि अभी जो जो प्रोपोर्शन है, ठीक है, वो यंगर एज ग्रुप्स का बिल्कुल कम है और ओल्डर एज ग्रुप्स का ज्यादा है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द एजिंग ऑफ पॉपुलेशन। देन दे आर सेइंग डिपेंडेंसी रेशियो। अब डिपेंडेंसी रेशियो क्या है? डिपेंडेंसी रेशियो का मतलब है कि कितना ज्यादा जो पोर्शन है पॉपुलेशन का वो डिपेंडेंट है, ठीक है। जैसे बहुत ज्यादा जो यू नो जो बूढ़े लोग होते हैं, ठीक है, वो किस तरीके से वर्क कर रहे हैं या फिर वो वर्क नहीं कर रहे हैं तो वो डिपेंडेंट हो गए, राइट। सो उनको हम डिपेंडेंसी रेशियो में काउंट करते हैं। अगर डिपेंडेंसी रेशियो कम हो जाता है, राइट, सो क्या होगा कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी होगी, प्रोस्पेरिटी होगी, राइट। ये सब चीजें उन्होंने इस पैराग्राफ में बताई हैं। सो ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, आप इनको एक बार रीड करो और यहां से एक बार नोट्स बना लो, ठीक है। देन यू हैव यू नो न्यू डेटा एंड एवरीथिंग जो आपको इंटरनेट पर भी मिल जाएगा, जो आपको न्यूज़पेपर्स में भी मिल जाएगा। ऑब्वियसली अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो न्यूज़पेपर तो आपके लिए बहुत जरूरी है, तो वहां से डेटा उठाओ, नया डेटा ही आपको डालना पड़ेगा। ये पुरानी बुक्स है, ये सिर्फ समझने के लिए, राइट। देन यू हैव साइज एंड ग्रोथ ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन। अब इसके अंदर भी बहुत सारे मेजर चेंजेस मिलेंगे, ये बहुत पहले की बुक है तो इसके उसमें इसी के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है, ठीक है। सो एज कैन बी सीन फ्रॉम टेबल वन, द ग्रोथ ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन हैज नॉट ऑलवेज बीन वेरी हाई। अभी पॉपुलेशन आप देख सकते हो कि कितनी है, ठीक है, और किस तरीके से जो फैक्टर्स है वो इन्फ्लुएंस करते हैं और किस तरीके से जो इंडिया का पॉपुलेशन है वो बढ़ रहा है, राइट। देन ये इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, लाइक चार्ट बना हुआ है जिसके अंदर आप देख सकते हो कि किस तरीके से जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज कर गया, ठीक है। ये सब चीजें होती हैं। देन उन्होंने बर्थ रेट और डेथ रेट बताया, ठीक है। उन्होंने बोला कि देखो बर्थ रेट का भी उन्होंने बता रखा है, ब्लू है, बर्थ रेट में भी उन्होंने दिखा रखा है कि किस तरीके से फॉल है, लेकिन डेथ रेट में उससे ज्यादा फॉल है। दैट मीन्स जो नेट ग्रोथ है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, वो इंक्रीज कर रहा है, राइट। सो ये सब फैक्टर्स आप देख सकते हो। देन दे आर यू नो टॉकिंग अबाउट लाइक द प्रिंसिपल रीजन फॉर डिक्लाइन इन डेथ रेट, कितना डेथ रेट हुआ कैसे, मतलब कम कैसे हुआ, क्योंकि हमने जो डिसीजेस थी या जो टेक्नोलॉजी है उसके यूज से काफी सारी चीजें डेवलप कर ली। अब डिसीजेस के लिए मेडिसिन आ गई, अब मेडिसिन आई तो लोग क्योर होने लगे, लोग क्योर होने लगे तो लोग ऑब्वियसली वो डेथ नहीं हो रही थी उतनी, तो डेथ रेट क्या हो गया, कम हो गया, राइट। ये सब फैक्टर्स हैं जो आप इजीली इसमें से देख सकते हो और समझ सकते हो, और ये अभी तो बहुत अच्छे समझ में आएगा क्योंकि हम इस कोरोना से लड़ रहे हैं, राइट। तो इसमें बहुत ज्यादा जो पॉपुलेशन है उसमें जो चेंज हो रहा है आप वो भी देख सकते हैं। तो आप हमेशा नया डेटा लेंगे, ठीक है, आप बुक से सिर्फ समझने के लिए उठाया करो डेटा, क्योंकि उसमें आपको पिछली चीजें बता रखी है, राइट। सो नेक्स्ट वो बताते हैं कि क्योंकि देखो मेडिकल क्योर्स हो गया, अब बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हो गई। देन वो बोलते हैं कि जो फेमाइंस हैं, ठीक है, इससे भी क्या होता है, ये मोर्टैलिटी इंक्रीज करते हैं। फेमाइंस में मोर्टैलिटी कैसे इंक्रीज कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पॉवर्टी लेकर आते हैं। ऑब्वियसली आप एकदम से किसी भी चीज के साथ, ठीक है, डील नहीं कर पाते हो, राइट। हमने कल्चरल लैब में पढ़ा था कि किस तरीके से जो चेंजेस हैं हम उनके साथ नहीं जा पाते हैं। अब उनके साथ नहीं जाने की वजह से पॉवर्टी भी आ सकती है, ठीक है, इनएबिलिटी ऑफ पीपल टू बाय और यू नो अदरवाइज ऑब्टेन फूड, राइट। दीज आर ऑल द थिंग्स विच आर द फैक्टर्स यू नो इन्फ्लुएंस बाय द फेमाइंस और एनी नेचुरल एक्टिविटी, ठीक है। ये सब फैक्टर्स हैं जिसकी जो हो रहे हैं आपकी नेचुरल एक्टिविटीज की वजह से। तो अगर वो सब हो रहा है, ठीक है, तो बहुत ज्यादा चेंजेस आ रहे हैं। However, as scholars like Amartya Sen और भी बहुत सारे लोगों ने दिखाया कि famines were not necessary due to fall in food grains production. ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपका food grains का production कम हो गया तो famine आ गया। हो सकता है कि आप मतलब कुछ चीजें खरीद नहीं पा रहे हो या फिर मतलब जो entitlements हैं वो नहीं है, right? इन सब चीजों की वजह से क्या हो रहा है,
कहीं ना कनेक्शन जो है, कम्युनिकेशन जो है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं मतलब इम्प्रूव नहीं हो पा रहा है. अब इम्प्रूव नहीं हो पा रहा है उसका क्या रीज़न है? उसके रीज़न है बहुत सारे फैक्टर्स हैं, आप वो भी देख सकते हो. तो आपको हर चीज़ का सोशल फैक्टर पता होना चाहिए, राइट? ये हमारा मेन कंसर्न है. हमारा कंसर्न ये नहीं है कि हम ये सब चीज़ें याद रखें, हमारा कंसर्न ये है कि हम ये समझें कि किस तरीके से एक जो फैक्टर है वो बहुत जगह पर इन्फ्लुएंस करेगा, और उससे हम सीखें कि और कौन से ऐसे सोशल फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ठीक है. सो व्हाट दे आर सेइंग दैट नेवरदलेस स्टार्वेशन डेथ्स आर स्टिल रिपोर्टेड फ्रॉम सम बैकवर्ड रीजन्स ऑफ द कंट्री एंड द नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट इज द लेटेस्ट स्टेट इनिशिएटिव टू टैकल द प्रॉब्लम ऑफ हंगर एंड स्टार्वेशन इन रूरल एरियाज, ठीक है. अब ये इन्होंने इसका एक एग्जाम्पल दिया, आप और एग्जाम्पल्स ढूंढ के लाओ, उनको लिखो, ठीक है. तो दिस इज द वे टू प्रिपेयर फॉर यू नो सोशियोलॉजी, कि किस तरीके से आप हर चीज को रिलेट करते हो, हर चीज का इंटर रिलेशन पढ़ते हो, ठीक है, यही चीज है. उसके बाद बोलते हैं कि बर्थ रेट तो बेशक कम हो गया, ठीक है, आपने देखा कि बर्थ रेट कम हो गया, डेथ रेट कम हो गया, लेकिन बर्थ रेट उतना कम नहीं हो पाया क्योंकि जो बर्थ रेट है वो क्या है, सोशियो कल्चरल फिनोमेना है, आपके सोशलाइजेशन पे, ठीक है, आपके यू नो आपकी फैमिली पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है जो आपका पॉपुलेशन है. जो ये बर्थ रेट है ये सोशियो कल्चरल फिनोमेना है, दैट मीन्स इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, राइट? आपकी सोशलाइजेशन, किस तरीके कल्चर में है आप, उधर क्या इन्फ्लुएंस है, उधर क्या सोसाइटी की अगर कोई कॉन्स्ट्रेन डाल रही है तो कैसा कॉन्स्ट्रेन है, वो सोशल कंट्रोल है या नहीं है, राइट? ये सब चीजें जो है ये मैटर करती है आपके बर्थ रेट में, ठीक है. सो आपको ये भी देखने को मिलेगा बहुत सारे ऐसे जो फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं कि हमें बर्थ रेट और डेथ रेट का कितना नॉलेज है, हम किस तरीके से इसको मेंटेन रख सकते हैं, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं. सो ये बता रहे हैं कितना बर्थ रेट है इंडिया में, ठीक है. तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से इस ग्रीन एरिया में ज्यादा है और जगह पर कम है, वो सब चीज़ आप चेक कर सकते हो. देन इन्होंने एक ये हमें चार्ट दिया जिसके थ्रू हम समझ सकते हैं किस तरीके से जो पॉपुलेशन है वो बटा हुआ है, राइट? हमारी पॉपुलेशन कहाँ पर कितना ग्रोथ है, और ये अप टू 2026 वहां तक का बता रहा है कि इतना ग्रोथ एस्टिमेशन है ये, ठीक है, इससे आप चेक कर सकते हैं. देन एक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, अब ए स्ट्रक्चर क्या है इंडियन पॉपुलेशन का, आपने देखा कि किस तरीके से हमने एज स्ट्रक्चर की बात की, राइट? हमने बात की कि किस तरीके से जो डेवलपमेंट है उसके साथ साथ बहुत सारी चीजें इंक्रीज कर रही हैं, लाइफ जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इंप्रूव कर रहा है, डेवलपमेंट हो रही है, जो डेथ रेट है वो कम होता जा रहा है, राइट? ये सब चीजें हमने पढ़ी थी. अब इसके अंदर क्या बताया हुआ है, इसके अंदर बेसिकली आपको ये बताया हुआ कि कैसे 1961 से 2026 तक जो ये एज ग्रुप है वो मतलब कम हो रहा है. अब ये एज ग्रुप जो है वो थोड़ा सा कॉन्स्टेंट लेकिन बढ़ रहा है, फिर भी ना काफी बढ़ रहा है, लेकिन ये जो एज ग्रुप है इसमें काफी ज्यादा लोग बढ़ रहे हैं क्योंकि हम काफी अच्छी चीजें लेकर आए हैं, जैसे डिसीजेस को क्योर करने के लिए मेडिसिन आ गई हैं, हम बहुत ज्यादा डेवलप कर रहे हैं, लेकिन डेवलपमेंट इसी सेक्टर्स में मतलब इस सेक्टर को सेव करने में ज्यादा हो रहा है. तो रिप्लेसमेंट लेवल जो है वो कहीं ना कहीं स्टेबलाइज नहीं है, लाइक हम स्टेबलाइज नहीं कर पा रहे. देन ये आपको उन्होंने पिरामिड्स दिए जिसके थ्रू आप देख सकते हो कि किस तरीके से यू नो देर आर सम यू नो जो रेशियोज हैं या जो डिवीजन है वो सब आप देख सकते हो उसमें. देन दे आर टॉकिंग अबाउट कि फर्टिलिटी रेट्स जो हैं, ठीक है, उसमें बहुत ज्यादा रीजनल वेरिएशंस हैं, ठीक है. एज विद द फर्टिलिटी रेट्स देर आर वाइड रीजनल वेरिएशन इन द एज स्ट्रक्चर एज वेल, ठीक है. व्हाइल अ स्टेट लाइक केरला इज बिगनिंग टू एक्वायर एन एज स्ट्रक्चर लाइक दैट ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज, उसका एज स्ट्रक्चर बनता जा रहा है डेवलप्ड कंट्रीज जैसा, जैसा मतलब केरला का एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है. लेकिन उत्तर प्रदेश में वैसे ही उधर से ही डिफरेंट हमारे सामने पिक्चर आ रही है, ठीक है. उसमें जो यंगर एज ग्रुप्स है वो ज्यादा यू नो ज्यादा प्रपोर्शन में है और जो एजेड है वो कम प्रपोर्शन में है. तो अलग अलग पिक्चर्स है यू नो एज स्ट्रक्चर बताया हुआ बेसिकली. देन ये चीजें हमें एक्सप्लेन की हुई है. देन यू नो यहाँ पर बताया कि कैसे द बायस टुवर्ड्स यंगर एज ग्रुप्स इन द एज स्ट्रक्चर इज बिलीव टू बी द एडवांटेज ऑफ इंडिया फॉर इंडिया, क्योंकि जो यंगर एज ग्रुप होगा वो डिपेंडेंट भी नहीं होगा ज्यादा, यंगर एज ग्रुप काफी ज्यादा यू नो अपॉर्चुनिटीज के साथ आएगा, काफी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट के साथ आएगा, डेवलपमेंट के साथ आएगा. तो इसलिए यंगर एज में अगर चीजें हो रही हैं, अगर एज स्ट्रक्चर यंगर एज ग्रुप्स का बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली आपका जो कंट्री है, ठीक है, उसका इकोनॉमी जो है वो काफी अच्छे से इंक्रीज कर सकता है, राइट? ये कुछ एग्जाम्पल्स दिए इन्होंने. सो यू कैन रीड दीज ऑल पैराग्राफ्स एक्चुअली, ठीक है, ये मैं मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप जब पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा.
उसके बाद यू नो जो सेक्स रेशियो है, ठीक है, अगर आप देखो सोशियोलॉजी में, तो आप ये देखो कि सेक्स रेशियो जो है वो आपको जेंडर बैलेंस बताता है कि कितना जेंडर बैलेंस है पॉपुलेशन में, ठीक है। अब आपको ये सब चीजें ध्यान से देखने कि इनमें क्या बताया हुआ है। ओके, सो दे आर सेइंग दैट नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स हैज जनरली बीन समवट हायर देन 1000, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं कि किस तरीके से जो पहले सेक्स रेशियो थी वो किस तरीके से थी, आज जो है वो किस तरीके से है। अलग अलग अगर आप स्टेट्स में देखोगे तो भी आपको अलग अलग किस तरीके से देखने को मिल सकती है, राइट। तो ये सब चीजें जो मेजर फैक्टर्स हैं, या पॉपुलेशन को आप ना बहुत अच्छे से सेंसस से पढ़ो, राइट। आप हर सेंसस में देखो कि किस तरीके से जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, बर्थ रेट, डेथ रेट, ये सब चीजें आप जो अभी का डेटा है वो कलेक्ट करो, वहां से पढ़ो। ओके, सो देन दे आर सेइंग कि एज मेनी एज सिक्स स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज हैव अ चाइल्ड रेशियो ऑफ अंडर 900 फीमेल्स पर 1000 मेल्स, है ना। और इसमें ये बताया कि किसके पास लो चाइल्ड रेशियो है, किसके पास हाई चाइल्ड रेशियो है, ठीक है। सो दे आर सेइंग कि डेमोग्राफर्स और सोशियोलॉजिस्ट हैव ऑफर्ड सेवरल रीजंस कि ये सेक्स रेशियो इंडिया में डिक्लाइन क्यों कर रही है, क्योंकि यू नो द मेन हेल्थ फैक्टर, क्योंकि हेल्थ फैक्टर बहुत यू नो मेजर है इसमें कि किस तरीके से जो वुमेन है, ठीक है, उनके हेल्थ पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है आजकल हमारी जो इंडियन सोसाइटी है इसमें, क्योंकि पैट्रियार्कल स्ट्रक्चर है, तो सब चीजें जो है वो डोमिनेटेड किससे है, वो मेल से है, राइट। सो इसलिए फीमेल का जो हेल्थ है वो इशू है, बहुत सारी चीजें हैं जो रिस्क ऑफ डेथ इन चाइल्ड बर्थ, राइट, ये सब चीजें इन्होंने बताई हुई किस तरीके से। जो सोशल फैक्टर्स हैं आप इनके थ्रू देखोगे कि एजुकेशन, अवेयरनेस, ये जब तक बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा तब तक कुछ चीजें जो है वो एग्जिस्ट करती रहेंगी इसी तरह, राइट। सो ये सब चीजें इन्होंने बताई है किस तरीके फैक्टर्स इंक्लूड किए जा सकते हैं। देन इन्होंने चाइल्ड सेक्स रेशियो बताया अलग अलग स्टेट्स में, ये काफी इंपॉर्टेंट है। आप इसी तरीके से अपने पास एक मैप लेकर उस पर ड्रॉ करके बना सकते हैं आप हर चीज, ठीक है, मेंशन कर सकते हैं। ये काफी यूजफुल रहेगा आपके लिए आने वाले टाइम में, क्योंकि आपको डेटा तो बहुत जगह डालना पड़ेगा, राइट। डेटा से जो वैलिडिटी है वो बढ़ जाती है, वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, राइट, ये सब चीजें बढ़ जाती है आपके आंसर्स की। तो आपको ऑब्वियसली इनका डेटा जो है वो अभी का देखना चाहिए। देन सिवरल फैक्टर्स मे बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्लाइन द चाइल्ड सेक्स रेशियो, इंक्लूडिंग यू नो सिवर नेग्लेक्ट ऑफ गर्ल बेबीज इन इन्फेंसी, ये तो सबसे मेजर प्रॉब्लम है। आपको भी पता है कि किस तरीके से जो अबॉर्शंस हैं ये बढ़ रहे हैं, ठीक है, बहुत सारी जो इलीगल एक्टिविटीज हैं वो भी एग्जिस्ट करती हैं, राइट। अब ये जो रीजनल वेरिएशंस हैं, ठीक है, जो रीजनल पैटर्न है वो कहीं ना कहीं आपको बताता है कि किस तरीके से जो एग्जिस्टिंग जो सेक्स रेशियोज हैं, ठीक है, वो बिल्कुल यू नो आर्ग्यूमेंट्स के साथ सपोर्ट हो रहा है। कैसे, कि जो रीजनल वेरिएशन है वही कहीं ना कहीं कनेक्ट कर रहा है आपको लो चाइल्ड रेशियो से, ठीक है। सो ये सब चीजें कि किस तरीके से यू नो मतलब पॉवर्टी या इग्नोरेंस की वजह से नहीं, मतलब बहुत सारे अदर फैक्टर्स भी हैं जिनकी वजह से अबॉर्शंस किए जाते हैं, बहुत सारे रीजंस है, राइट। सो ये सब चीजें जो मतलब आज के टाइम में अगर आप देखोगे सोशल फैक्टर्स, लाइक अगर आप देखो कि किस तरीके से जो डोरी सिस्टम है, ठीक है, या फिर किस तरीके से जो विलेज है, विलेज कम्युनिटीज में माना जाता है कि जो मेल है, ठीक है, वो आपको अर्न करके देगा, लेकिन जो फीमेल अगर है वहां पर, ठीक है, अगर एक गर्ल चाइल्ड बॉर्न हुई है तो उससे क्या होगा कि आपकी जो पेमेंट्स, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, राइट। सो वो सब चीजें देखते हुए बहुत ज्यादा आप जो सेक्स रेशियो में डिफरेंस है ये देख सकते हो, राइट। सो वो ये देखते हैं कि किस तरीके से यू नो पॉसिबल फैक्टर्स हैं। तो सोशियोलॉजी का काम ही यही है कि किस तरीके से हमें ये देखना है कि जो बहुत सारी चीजें वो एग्जिस्ट करती है सोसाइटी में वुमेन के रिगार्डिंग, क्योंकि यू नो वुमेन के साथ बहुत सारे सोशल फैक्टर्स एसोसिएटेड है, जैसे डाउरी सिस्टम, एंड देन यू आर टॉकिंग अबाउट लाइक जो इन्फीरियोरिटी है पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर में, या जो सिक्योरिटी है, इन सब चीजों से डरते हुए यू नो बहुत लोग हैं जो यू नो अबॉर्शन करा देते हैं, ठीक है, या फिर इसी से तो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट भी बढ़ता है, बहुत सारी चीजें। तो आप इनको कनेक्ट करके पढ़ोगे, ठीक है। सो देन दे आर टॉकिंग अबाउट लिटरेसी, एंड लिटरेसी में वो क्या बता रहे हैं हमें कि मतलब लिटरेसी एज अ प्री रिक्विजिट टू एजुकेशन एज इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एम्पावरमेंट, कि लिटरेसी से कितना अच्छे से एम्पावरमेंट हो सकता है, राइट। ये पैराग्राफ बिल्कुल कॉमन है, आप इसको रीड करें, और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो आई एम नॉट गोइंग टू रीड दिस, ओके। सो आपको यहाँ पे इतना समझना है कि लिटरेसी से बहुत ज्यादा यू नो जो वुमेन है उनकी हेल्थ भी सुधर जाएगी, ठीक है, अवेयरनेस बढ़ेगी, पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, और एक में पार्टिसिपेशन बढ़ने से इंस्टीट्यूशन में, अगर आप एक इंस्टीट्यूट में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप सब इंस्टीट्यूशंस का पार्ट बन जाते हो, राइट।
सो ये सब चीजें बताइए, देन रूरल और अर्बन डिफरेंसेस बताएंगे किस तरीके से जो रेशियोज हैं वो जैसे अर्बन पॉपुलेशन आज वो इंक्रीज करती जा रही है और जो रूरल पॉपुलेशन है वो कहीं ना कहीं डिक्रीज करती जा रही है. तो ये सब चीजें आप देख सकते हो क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स, आपको पता है कि एग्रीकल्चर आजकल मेन सोर्स रहा नहीं है, उसके अलावा बहुत सारी अलग अलग चीजें हमारे सामने आते हैं आजकल फैक्टर्स की, किस तरीके से लोग माइग्रेट कर जाते हैं इंडस्ट्रीज इन सब चीजों की वजह से, राइट. सो ये सब फैक्टर्स बताए हुए हैं और इसमें कुछ ना कुछ इन्होंने मतलब जो अर्बनाइजेशन है या इंडस्ट्रियलाइजेशन है उससे रिलेटेड बताया है कि किस तरीके से जो माइग्रेशन हो रहा है, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज लाइक पॉन्स ये सब चीजें बनती जा रही हैं, ठीक है. रूरल से अर्बन हम जो चेंज हो रहे हैं उसके बारे में बात करें, फिर डोमिनेंट ग्रुप्स के बारे में बात करें कि किस तरीके से डोमिनेंट ग्रुप्स जो है वो आए और उनका बहुत मेजर रोल है इन डिफरेंसेस को क्रिएट करने में. देन मास मीडिया की आप बात कर सकते हो, कम्युनिकेशंस, यू नो दीज आर ऑल द यू नो वेरिएशंस जो अभी चल रही है और इनके कारण बहुत ज्यादा जो है वो पॉपुलेशन में चेंज आ रहा है, ठीक है. सो इसी तरीके से बताते हैं कितने अभी टाउन्स और सिटीज हैं, कितने लोग कैसे कहाँ पर रह रहे हैं, ठीक है. अर्बन पॉपुलेशन क्या है, रूरल पॉपुलेशन क्या, देख सकते हैं कि किस तरीके से जैसे जो अर्बन एरियाज हैं या जो रूरल एरियाज हैं उसमें जो पॉपुलेशन है उसमें चेंजेस आ रहे हैं क्योंकि माइग्रेशन हो रहा है, अर्बनाइजेशन इंडस्ट्रियलाइजेशन ये सब चीजें जो जो डेवलपमेंट लेकर आ रही है, साथ में एम्प्लॉयमेंट लेकर आ रही है, ठीक है. ये किस तरीके से जो फैमिलीज हैं जो विलेजेस में जो कम्युनिटीज हैं उसको ब्रेक कर रही है, ट्रेडिशनल वैल्यूज को खत्म कर रही है, बहुत सारे ऐसे चेंजेस हैं जो आप इसमें देख सकते हो, राइट. सो आपको ये सब चीजें जो है आपको ये सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखनी है, ठीक है, तभी आपको ये जो चैप्टर है इसका सेंस समझ में आएगा कि क्या चाहता है ये चैप्टर, राइट. देन यू हैव पॉपुलेशन पॉलिसी इन इंडिया, दे आर टॉकिंग अबाउट की इट विल बी क्लियर फ्रॉम दिस ना फ्रॉम द डिस्कशन इन दिस चैप्टर that population dynamics is an important matter, right. अब इन्होंने बात किसकी की है, population dynamics की, ठीक है. उधर वो social statistics की बात कर रहे थे जहां पर, और अब बात कर रहे हैं social dynamics की, right. population dynamics. So basically जो आपका गस्ट कॉम का जो subject matter था social statistics and social dynamics वो आपको यहां से देखने को मिल सकता है क्योंकि ये population में changes और population में जो different factors है जो हमेशा वहां पर रहेंगे वो सब चीजें बता रहे हैं, right. उसके बाद ये बोल रहे हैं कि यू नो दिस डायनेमिक्स यू नो अफेक्ट्स द डेवलपमेंट प्रोस्पेक्टिव्स ऑफ नेशन. ऑब्वियसली इससे नेशन के डेवलपमेंट पर फर्क पड़ेगा, लोगों के हेल्थ पर फर्क पड़ेगा, राइट. बहुत सारे ऐसे जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं इनको हमेशा यू नो चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे और किस तरीके से जो पॉपुलेशन है, ठीक है, वो अफेक्ट होगा ये इस पूरे चैप्टर में आपने देखा. सो पॉपुलेशन पॉलिसी टुक द कंक्रीट फॉर्म ऑफ नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम. अब बहुत सारे ऐसे यू नो प्रोग्राम्स आएंगे, पॉलिसीज आएंगी, ऑब्जेक्टिव्स आएंगे जिसके थ्रू यू नो आपकी जो पॉपुलेशन ग्रोथ है उसको हम यू नो अच्छी और जो कहते हैं डिजायरेबल डायरेक्शन जो ये बोल रहे हैं, ठीक है, उसमें लेके जाना चाहते हैं क्योंकि जो पॉपुलेशन ग्रोथ है इसके साथ बहुत सारे अदर फैक्टर्स भी इन्फ्लुएंस होते हैं, एसोसिएटेड हैं. तो कहीं ना कहीं अगर हम एक में चेंज कर रहे हैं तो और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जिसमें चेंज आएगा, राइट. सो जो माल्थस की थ्योरी थी जिसको ये डिनाई करते हैं कि ऑब्वियसली जो आपका पॉपुलेशन ग्रोथ है, ठीक है, वो अगर बढ़ रहा है तो उसके साथ साथ कहीं ना कहीं जो फूड रिसोर्सेज है ये भी बढ़ रहे हैं क्योंकि हम डेवलपमेंट में जा रहे हैं, राइट. हम डेवलप कर रहे हैं लेकिन उस डेवलपमेंट के कारण क्या ऐसा हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है ये आपको डेटा बताएगा, राइट. सो आपको डेटा पे रिलाई करना है और वो भी आप ऑफिशियल डेटा उठाया करो, ठीक है. उसके लिए आप सेंसस देखो, बहुत सारी चीजें जहां पर आप देख सकते हो इन चीजों को, ठीक है. सो दे आर टॉकिंग अबाउट यू नो ऑल दिस इन दिस चैप्टर एंड आई थिंक कि आप ये बहुत अच्छे से रीड कर सकते हो. आप इसको रीड करोगे तो काफी चीज समझ में आ जाएगा और इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको याद रखना है कि कौन सा आप कंसेप्ट कर रहे हो, देन उसके फैक्टर्स आपको लिख लेने हैं, ठीक है. इससे क्या होगा, इससे आपका चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा, ओके. सो ये सब चीजें इन्होंने बताई हैं कि इंडिया डेमोग्राफिक अचीवमेंट क्या हमने अचीव किया है, नेशनल सोशल डेमोग्राफिक गोल्स फॉर 2010 ये इन्होंने कुछ शेयर किया था. देखो इनमें से कौन कौन सा ऐसा है जो सच में यू नो गोल हमने कंप्लीट किया है या नहीं किया है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि हम क्या चीजों से लैग कर रहे हैं और किन वजह से आज भी जो सेक्स रेशियो है, ठीक है, वो कम है, कहाँ ज्यादा है, ठीक है. ये सब फैक्टर्स है जो आप शेयर कर सकते हो. अगर आप शेयर करोगे तो ऑब्वियसली ये दूसरों के लिए भी हेल्पफुल रहेगा और आप इससे हम अच्छे से इंटरेक्ट भी कर सकते हो और मैं आपको बहुत सारी अलग चीजें बता सकती हूँ जो इस चैप्टर में नहीं है, राइट. सो इट्स बेटर यू नो टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन एंड आस्क मी इफ यू हैव एनी डाउट एंड यू कैन ऑल्सो सजेस्ट मी एनीथिंग इफ यू वॉन्ट टू, ठीक है. सो
यू नो इस सब चीजों से इन्होंने बताया कि किस तरीके से जो पावरलेस पीपल है या जो पुअर पीपल है, ठीक है, उन पर बहुत ज्यादा प्रेशर है और किस तरीके से वो जो इस प्रेशर से मतलब जो निकलना चाह रहे हैं, ठीक है, लेकिन उनके पास जो रास्ते हैं वो नहीं है। अब उन रास्तों के लिए हमें सोशियोलॉजी में हम देखते हैं कि बहुत सारी जो इनइक्वालिटीज है वो कैसे एग्जिस्ट करती हैं। तो इनइक्वालिटी के फैक्टर आप देख सकते हो, ठीक है, कि किस तरीके से जो ये पुअर पीपल है इनको हम प्रेशराइज करते हैं। ये सब चीजें बहुत ईजी है, एक्चुअली ये रीड करना बहुत ईजी है, राइट। So the history of India's National Family Welfare Program teaches us that while the state can do a lot to try and create the condition for demographic change, most demographic variables, right, jo human fertility are ultimately matters of economic, social and cultural change. So sirf political institutions, jo aapki government hai usme change karne se, state mein change karne se kuch nahi hoga, theek hai, aapke bahut sare other factors hai, that is economic, social and cultural, jisko change karne se shayad jo population hai, ठीक है, उसमें चेंज आ सकता है, पॉपुलेशन ग्रोथ और पॉपुलेशन में चेंज आ सकता है, हमारे जो डेवलपमेंट है, ठीक है, वो भी कहीं ना कहीं इस पे मैटर करता है, इससे इन्फ्लुएंस होता है, तो हर चीज जो है वो इंटर रिलेटेड है, ठीक है। सो बेसिकली यही था इस चैप्टर में। अब आप ये जो क्वेश्चन है इनको कर सकते हैं, ठीक है, इससे क्या होगा, आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगा किस तरीके से जो हम ट्वेल्थ के सिलेबस में से ही इन क्वेश्चंस को कंप्लीट कर रहे हैं, इससे आपके पास जो फैक्ट्स हैं, ठीक है, या जो यूजफुल कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी हमेशा रहेंगे, एंड देन देयर आर रेफरेंसेस जो आपको पता है कि आपको अच्छे से करने हैं, राइट। सो दिस वॉज ऑल इन दिस चैप्टर, आई होप ये अभी सभी को क्लियर हो गया है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।